ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एक्सेल, जिस पर हम काम करने वाले हैं डे नाइट सिर्फ टाइम टेबल पे। ठीक है, तो हम अपने सॉफ्टवेयर एक्सेल सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। सर्वप्रथम एक्सेल सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 वर्जन है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इसके बाद देखिए हम कैसे यहाँ चार्ट बनाते हैं। पहले यहाँ कॉलम पे देखिए, ऊपर कर्सर ले जाकर माउस पॉइंटर की सहायता से इसको ऐसे टर्न करेंगे, खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे आसानी से, ये देखिए खींच रहे हैं ऐसे। उसके बाद हम ऊपर से भी ऐसे खींच सकते हैं, ये देखिए खींच पा रहे होंगे। ठीक है, खींचने के बाद आप लोग ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऐसे डाउन एरो करते हुए नीचे थोड़ा चले आएंगे, धीरे धीरे करके आप नीचे आ गए हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को होम मेनू दिखाई पड़ रहा होगा, होम मेनू में जाकर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक, बॉक्स बॉर्डर दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बॉर्डर लग जाएगा, आप इसको अंदर से ऐसे टर्न करेंगे, ये देखिए ऐसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपको बॉर्डर लग जाएगा। आप ऐसे इसको सिलेक्शन दीजिए, ये देखिए ऐसे, ये देख पा रहे होंगे, ये देखिए थोड़ा सा नीचे इसको और खींचिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये अब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो भी कलर आपको बेटर लगे वो कलर ले लीजिए, जो कलर यहाँ से आपको ठीक लगे फॉन्ट कलर वो फॉन्ट कलर आप ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप डे डे शिफ्ट टाइम टेबल, डे शिफ्ट टाइम टेबल 2019। यहाँ पे आप आएंगे, आप इसको सेंटर पे ले लीजिए, सेंटर वाले ऑप्शन से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लीजिए, देखिए थोड़ा सा बड़ा करिए ग्रो फ्रंट से। ठीक है, यहाँ थोड़ा बड़ा करिए इसे अच्छा दिखने लगे। यहाँ पे आकर कैबलीज भाषा सेलेक्ट करिए, अच्छी सी कोई भाषा यहाँ से बोल्ड कर लीजिए। ओके, इसके बाद आप लोग देखते होंगे यहाँ नीचे आइए, सिलेक्शन दीजिए ऐसे आसानी से। सिलेक्शन देने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे, ओके, हल्का सा यहाँ साइडिंग नीचे कर लीजिए, हल्का सा नीचे ऐसे कलर कर लीजिए। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम डालिए जिस व्यक्ति का आप डे का टाइम टेबल बना रहे हैं, डे शिफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जिस व्यक्ति का बना रहे हैं आप उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम डालेंगे। ठीक है, नाम डालने के बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ईएमपी मतलब इम्प्लॉयज होता है, ईएमपी का मतलब इम्प्लॉयज यानी कर्मचारी होता है, जो जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो उनका हम टाइम टेबल बना रहे हैं, किस समय से आते हैं किस समय जाते हैं वो टाइम टेबल है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेट कर दिया कोई ना कोई कलर। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे डेज डेज, उसके बाद आप लिखेंगे इन टाइम इन टाइम, यहाँ लिखेंगे इन टाइम, फिर आप लिखेंगे आउट टाइम आउट टाइम। ठीक है, उसके बाद आउट टाइम करने के बाद आप थोड़ा सा इसको खींच लेंगे, जगह कम पड़ने का खींच रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप लंच टाइम लंच टाइम लंच टाइम, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे ओवर टाइम ओवर टाइम, यहाँ लिखेंगे ओवर ओवर टाइम ओवर टाइम, आप यहाँ लिखेंगे ओवर टाइम। लिखने के बाद आप इसको थोड़ा आउट खींचेंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे टोटल टोटल सॉरी यहाँ टोटल टाइम टोटल, फिर आप यहाँ लिखे यहाँ आएंगे आप थोड़ा सा यहाँ टोटल यहाँ थोड़ा इसको मर्ज क्रॉस करेंगे, जैसे आप मर्ज क्रॉस करेंगे। ठीक है, यहाँ टोटल वर्किंग टाइम आप लिखेंगे टोटल वर्किंग टाइम वर्किंग वर्किंग टाइम टोटल वर्किंग टाइम। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे जो होता है वर्किंग टाइम केवल होता है, ये वर्किंग टाइम केवल होता है, वर्किंग गलत हो गया था, वर्किंग टाइम केवल होता है। ओके, वर्किंग टाइम हमने लिख दिया। इसके बाद आप इसको सेट कर लीजिए, थोड़ा सा और ऐसे खींचिए, थोड़ा सा यहाँ पकड़ खींच लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और टर्न करिए ऐसे, ये देखिए इसको आप सिलेक्शन दे दीजिए, थोड़ा अच्छा क्वालिटी में बनाने के लिए थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। ठीक है, बोल्ड करने के बाद आप इसको अपनी कैबरीज भाषा में सेट कर लीजिए। ठीक है, सेट करने के बाद थोड़ा सा और टर्न करेंगे। ठीक है, या तो ऑटो फिट, यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं, फॉर्मेट में आने के बाद आपको ऑटो फिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा,
ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। डेज कौन कौन से होते हैं, जैसे मंडे होता है, मंडे के बाद क्या होता है, ट्यूजडे होता है, ट्यूजडे आप करेंगे तो आप इसको पकड़ के ऐसे खींच लेंगे, ऐसे प्लस जहां बनेगा वैसे पकड़ के आप खींच लीजिए, सैटरडे तक आप डेटा बना सकेंगे। ये देखिए ठीक है, इसके इसके बाद हम यहां पे टाइम इन डालेंगे। जाने का टाइम हमारा क्या है, ऑफिस का जाने का टाइम जो होता है 7:40 पे होता है। पीएम होता है कि एम होता है, जाने का मॉर्निंग टाइम क्या होता है, पीएम होता है कि एम होता है, बोलो पीएम होता है, आने का टाइम एम होता है, आने का टाइम एम होता है, तो एम डालेंगे। उसके बाद जो हम वापसी आते हैं ऑफिस पे क्या होता है, पीएम होगा, तो हम किस समय आते हैं, कभी 5 बजे आते हैं, कभी 6 बजे आते हैं, जो भी हमारा टाइम टेबल है वो हम यहाँ डालेंगे ऐसे, जिस दिन आए जिस दिन 7 बजे हम आए 7 बजे डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे हम उसके बाद रिटर्न आते हैं कभी कभी 4 बजे, 4:30 हम 30 मिनट भी वापस चले आते हैं एम पे, ठीक है। पर यहाँ पे हमने मिस्टेकिंग की, यहाँ पे पीएम होना चाहिए, यहाँ पे हम पीएम डालेंगे, पीएम ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हम पीएम डालेंगे, पीएम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एम होना चाहिए था कि वो ऑलरेडी एम है, उसे में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देखिए मंडे ट्यूजडे यहाँ वेडनेसडे होना चाहिए, वेडनेसडे होना चाहिए, थर्सडे होना चाहिए, यहाँ फ्राइडे होना चाहिए, यहाँ सैटरडे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका वेडनेसडे वाले दिन का टाइम टेबल क्या डाल दें, जैसे डाल देते हैं कभी कभी आप 8 बजे चले जाते हैं, आप 8 बजे डाल दीजिए एम पे, कभी कभी आप कहते हैं 6 बजे भी उठ के चले जाते हैं, 6:40 पे आप चले जाते हैं एम पे, कभी कभी आप फ्राइडे वाले दिन कभी कहते हैं 9 बजे भी जाते हैं, 9:20 पे भी आप उतरते हैं, ठीक है। इसके बाद आप सैटरडे वाले दिन कहते हैं आप 6:50 पे गए थे, ठीक है, ये आप डाल दीजिए। आने का टाइम कभी कभी आप 7 बज भी जाते हैं आपको आने में, 7 PM करेंगे, ठीक है। कभी कभी आप कहते हैं 6 बजे भी आप आते हैं, 6 PM पे भी आप आते हैं, कभी कभी आप 5:30 भी आप आ जाते हैं PM में, ठीक है, और कभी आप 6:10 भी आप वापस आ जाते हैं ऑफिस से, ठीक है। इसके बाद आपका जो लंच टाइम होता है, लंच टाइम ऑफिस में ज़्यादातर 40 मिनट का होता है, लंच टाइम के अलावा ज़्यादातर 40 मिनट का होता है आपका, तो आप 40 मिनट कैसे डालेंगे, यहाँ कॉलम करेंगे आप, यहाँ 40 मिनट ऐसे डालेंगे। कभी कभी आप 30 मिनट में भी वापस आ जाते हैं, कभी कभी आप 20 मिनट भी वापस आ जाते हैं, लंच कर लेते हैं 20 मिनट का भी, लेकिन 40 मिनट पूरा होता है ना लंच टाइम का, टाइम तो एक फिक्स होता है ना हमारा, तो अलग अलग टाइम हम क्यों डालें भाई, एक ही टाइम ना डालें। तो हम इसको सिलेक्शन देकर इसको हटाएंगे और यहाँ से हम कंट्रोल डी की सहायता से इसको डाउन फिल करते हैं, जिससे सारी चीज़ हमारी एक होनी चाहिए। ओवर टाइम क्या होता है, जैसे कभी कभी हम लोगों ने 20 मिनट काम किया ओवर टाइम, कभी कभी हम लोगों ने 40 मिनट काम किया ओवर टाइम, कभी कभी हम लोगों ने भाई 60 मिनट टोटल पूरा काम, मान लो 1 घंटे पूरा काम हमने किया, कभी कभी 1 घंटे पूरा मिल जाता है वर्क करने के लिए, कभी कभी मान लो 50 मिनट भी मिल गया तो बहुत है हमारे लिए भाई, काम तो काम होता है, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं कभी कभी हमको 35 मिनट भी मिल जाता है वर्क करने के लिए, कभी कभी हमको 55 मिनट भी दे दिया जाता है वर्क करने के लिए, ओके। इसके बाद वर्किंग टाइम कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे बड़ा टाइम कौन सा इसमें है, हमारा जाने का टाइम बड़ा है कि आने का टाइम बड़ा है, 13 जो हमारा हम देखते हैं कि जो 24 घंटे वाली हमारी घड़ी होती है, जब सेकंड मीटिंग जब समय बजा होता है तो क्या बजा होता है, 12 के बाद क्या बज जाता है, 13 बज जाता है कि नहीं बज जाता है। तो जैसे हम 7 बजे का टाइम तो छोटा है, इस समय जब 5 बजे होते हैं तो 5 बजे का कितना बजा होता है, 17 बजा होता है, तो 17 बड़ा, 17 से 7 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे माइनस करेंगे 17 से, यानी 5 बजे से 7 बजे को माइनस कर देंगे, तो जैसे ही माइनस कर देंगे आपका टाइम निकल आएगा, आपने 9 घंटे 20 मिनट वर्क किया, ठीक है। अब आपका टोटल वर्किंग टाइम जो होता है इस पर आप क्लिक करिए, आप इसको प्लस करिए, ओवर टाइम को प्लस कर लीजिए और लंच टाइम को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है, तो आपका टोटल टाइम पता चल जाएगा। अभी एम पीएम पे ध्यान ना दीजिए, ठीक है। अब आप इसको कर लीजिए, इससे इसको माइनस कर दीजिए, आउट टाइम से इन टाइम को माइनस कर दीजिए, तो जो आपका टाइम होगा वो निकल आएगा,
इसके बाद आप टोटल वर्किंग टाइम जब निकालेंगे तो आप वर्किंग टाइम को प्लस कर दीजिए ओवर टाइम्स को और माइनस कर दीजिए लंच टाइम, क्योंकि लंच टाइम हमेशा घटता है, और आप यहां से एंटर कर दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दो लोगों का निकालने के बाद आप यहां प्लस करके ऐसे खींच लेंगे तो सबका सही सही निकल आएगा। अगर आप गलत करेंगे तो गलत उसका रिजल्ट आएगा, फार्मूला एकदम सही सही होना चाहिए। ओके, इसके बाद आप इसका थोड़ा सा साइडिंग कलर कर दीजिए जिससे आपकी जो सीट है थोड़ा अच्छी दिखने लगे। ये आप थोड़ा सा यहाँ ऐसे खींच लीजिए, ये आप शेडिंग कलर यहाँ से डाल दीजिए, जैसे ब्लैक कलर तो ब्लैक करके व्हाइट कर दीजिए। अब आप यहाँ से बॉर्डर लगा दीजिए, जब आप बॉर्डर लगा देंगे तो आपकी सीट जो है बहुत खूबसूरत दिखने लगेगी। ये देखिए ऐसे, और थोड़ा सा कलर अच्छा कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए थोड़ा शेडिंग कलर अच्छा कर दीजिए थोड़ा सा, जिससे आपकी सीट बहुत बेस्ट दिखने लगेगी। तो जी आपका फिलहाल आज का रहा डे शिफ्ट टाइम टेबल। ओके, फिलहाल यहीं से हम समाप्त करते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अपना नाइट शिफ्ट टाइम टेबल। ओके।